हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया दोनों, जिसमें हम आज जुपिटर का फुल इंजन मारने वाले हैं। और मैं आप लोगों को जुपिटर के इंजन में एक ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, जो आपने कभी देखी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। आप लोग अगर मैकेनिक है या फिर कोई आप ऐसे नॉर्मल व्यूअर है तो आप लोग जान सकते हैं कि इंजन में क्या क्या चीजें होती है। बट रीजन पता है, अगर आपको पता है, आपने ये सोचते हैं अगर जुपिटर का इंजन और एक्टिव इंजन सेम होता तो आप लोग बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सेम कुछ नहीं होता, कोई चीज सेम नहीं होती है इनमें। हाँ, ये होता है, हो सकता है मेथड सेम हो, पर मेथड भी सेम नहीं होता इसमें। इसमें हर एक चीज अलग अलग होती है। इसमें पंप से लेकर सील से लेकर जितनी भी चीजें होती है, हर एक चीज अलग होती है। और मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी देने वाला, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मिलने वाली है। और भी इसमें आपको ना एक सिंपल सा प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है इसका, क्योंकि हम सबसे पहले ना जितने भी सीले होती है उन सबको फिट करेंगे, फिर उसके बाद देखिए इसमें हम क्रैंक लगाएंगे, क्रैंक के बाद पंप हो गया, पंप के बाद पिस्टन वार, ऐसे हर एक चीज इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद मैं आपको इंजन स्टार्ट करते हूँ, इंजन की आवाज बिल्कुल साइलेंट होगी, साइलेंट के साथ इंजन आपका पहले किक स्टार्ट होगा गाड़ी ऐसी, और गाड़ी आपकी इंजन आपका इंजन ना सालों साल चलता रहेगा, टाइम से सर्विस होते रहे बस। इसलिए वीडियो को लंबा ना खींचे, वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम ना सारी सीलें फिट करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने नई सील ले ली है, फिर उसके बाद देखिए हम इस सील को ना लेके अब देखिए जो अपना सील को मिला मिला के फिट करेंगे, इसमें जो सील इसमें लगी थी उसमें फिट करेंगे। ये देखिए हमने सबसे पहले देखिए यहाँ से मैग्नेट चैम्बर उठा लिया है, फिर उसमें देखिए फिट करने का, सील फिट करने सबसे अच्छा तरीका है, सील के जो ऊपर का लिखा वाला हिस्सा है वो हमेशा अंदर की साइड में रखें आप, यानी कि कहने में अंदर की साइड नहीं, कहने का मतलब जैसे चैम्बर के अंदर ना हो, बाहर की साइड में हो। और वैसे जैसे चैम्बर फिट कर रहे हैं तो इसके अंदर जैसे नीचे की साइड बाहर की साइड में रखें। उसके बाद से ठोक के ना आराम से प्रॉपर सेटिंग से बैठा लें, ताकि ना लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, और इसे तेज आपने ज़्यादा तेज नहीं ठोकना, नहीं तो चैम्बर टूटने का भी डर रहता है। और उसके बाद देखिए हमने ये ले ली मैग्नेट प्लेट, ये मैग्नेट प्लेट होती है ये, इसमें भी सील लगा लेते हैं। फिर नीचे पड़ी है जो वो क्लच प्लेट है, ये देखिए ये क्लच प्लेट है, इसमें भी सील देखिए बैठा ली हमने। अब देखो हमारी तीनों सीलें बैठ चुकी हैं इसमें। अब इसके बाद ना इसमें तीन ही सील होती है वैसे मेन, इसमें जो बैठा चुकी है हमें। अब उसके बाद क्रैंक में देखो हम ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयलिंग करने के बाद अच्छे से फिर उसके बाद क्रैंक को बैठाएं। और हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट काम देखिए, क्रैंक को जब भी आप बैठाएंगे तो क्रैंक पूरा बैठा है कि नहीं बैठा वो कैसे पता चलेगा आपको, अब इसमें पता चलने वाला है। जैसे आप क्रैंक को बैठा देंगे ना, आपका जो क्रैंक का जो देखो डंडी है जो पिस्टन फिट होता है वो ना आधा चैम्बर के अंदर हो और आधा चैम्बर के बाहर हो। इसे ठोकने के लिए वैसे भी प्लास्टिक की हथौड़ी का यूज करो या लकड़ की हथौड़ी, ये देखिए लड़ा के देख लेना, आधा चैम्बर के अंदर हो चाहिए आधा बाहर हो चाहिए, यानी मोटाई उसकी आधा अंदर बाहर हो। फिर उसके बाद इस पर एना बॉन्ड अच्छे से लगा लेना अपने चारों तरफ से, इसमें इसमें ना पैकिंग नहीं पड़ती होती है, देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना जुकाम खांसी हो रखी है थोड़ी, ये लगा लिया हमने। अब लगाने के बाद इसमें देखिए लग गया। अब उसके बाद चैम्बर को हम इस पर ना आराम से फिटिंग करेंगे, डबले जितनी हो लगा लेंगे आप, इस पर दो डबले लगती कर ली, दो डबले इस पर फिटिंग करेंगे। देखिए चैम्बर को रखा हमने आराम से, इसको रखने के बाद प्लास्टिक देखिए प्लास्टिक की हथौड़ी से ये जिस तरह हम पेचकस कर रहा हूँ ना, आपको पता है ये मैं सील को ना प्रॉपर सेटिंग दे रहा हूँ ताकि ना सील पलट ना जाए, इसीलिए आप रख के फिर से हथौड़ी से ठोक लेंगे, ठोकेंगे तो ये प्रॉपर बैठ जाएगा। ये देखिए हमारा चैम्बर बैठ गया प्रॉपर। इसमें जितने भी नट बोल्ट है सारे हम टाइट कर लेते हैं अच्छे से। और एक बात और, अगर आपके पास गन है टाइट करने वाली फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप हाथ से टाइट करते हैं तो आप ये देखना, इसको आप हल्के हाथ से टाइट करें तो चैम्बर टूटने का डर रहता है और नट टूटने का डर रहता है। ये देखिए अब मेन इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो पिन है ना ये होती है पंप की पिन, इसे लगाना बहुत जरूरी है, आप ऐसे गरारी मत उठाएं तो काम नहीं करें। फिर उसके बाद देखिए क्रैंक की जो गरारी होती है उसे लगाएंगे आप, लगाने के बाद क्रैंक की गरारी के ऊपर का लॉक, ये देखिए लॉक, ये लॉक लगाएंगे आप, ये लॉक लगा दिया हमने, देखिए लॉक लगा दिया,
अब इसको अच्छे से बैठा लेते हैं, ये देखिए लोक पिलास की सहायता से इसे अच्छे से ठोक के हमने बैठा लिया है। बैठाने के बाद आप देखिए इसके ऊपर की गरारी जो होती है पंप के ऊपर की, बैठ गया। अब पंप के ऊपर की गरारी जो प्लास्टिक की होती है इसे रखेंगे, फिर इसके ऊपर भी आप देखिए पहले वार्सल इसके ऊपर डालेंगे, देखिए बैठ गई इसके ऊपर वार्सल, वार्सल के बाद लॉक, ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। पहले देखिए वार्सल डाल दिया हमने, फिर उसके बाद लॉक डालेंगे इसके ऊपर, ये देखिए वार्सल ले ली, काली वार्सल है, इसको रखा। फिर इसके ऊपर अब हम लॉक लगा देंगे इस तरह, ये देखिए। अब ये पिन है जो यहाँ लगाएंगे ताकि ना ड्रम जो इसका मैग्नेट प्लेट है ये हमारी घूमे ना, ये देखिए यहाँ लगाएंगे इस पिन को, लगा के इसे ठोकना पड़ेगा आपको थोड़ा ताकि प्रॉपर बैठ जाए, क्योंकि इसके अंदर ना हवा सी भर जाती है इसलिए। ये हो गया। अब इसके पास हम देखिए मैग्नेट जो प्लेट है तो उस पर अच्छे से हम एनाबोंड लगा देंगे साइडों में। एनाबोंड लगाने के बाद देखिए ये रियाना बॉन्ड की ट्यूब हमारी, अब लगता है हमें न्यू एनाबॉन्ड की ट्यूब लेनी ही पड़ेगी। जो हमने न्यू एनाबॉन्ड की ट्यूब ले ली, अब इसे भी लगा देते हैं। ये एक चीज करना आप लोग, एनाबॉन्ड जैसे लगाते हैं ना साइडों में तो इसे अच्छे से लगा देना, ताकि ना पता कि कई बार होता है साइड से लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो एनाबॉन्ड लगा हो ना तो लीकेज की प्रॉब्लम बहुत कम ही आती है। क्योंकि एक तो ना जुपिटर के इंजन में हर एक चीज ने इतनी बारीकी से फिट किया गया है, तो एक चीज खोलने के लिए पूरा चीज खोलना पड़ जाता है। देखिए लग गया सब कुछ सही है हमारा, अंदर में चेक कर लिया हमने घुमा के। अब इसके बाद इसको हम फिट कर देते हैं, और फिट करने के लिए इस क्रैंक के ऊपर थोड़ा तेल लगा लेना आप, ये देखिए लगाया, हम थोड़ा तेल लगा लेते इसके ऊपर, देखिए लगाया, ताकि ना पता आराम स्लिप होकर अंदर चला जाए, कि इनकी सीले जो होती है ना बहुत अंदर से थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, तो ऐसा ज़्यादा होता है चिपकने में ना पलट जाती है सीले। रख लिया हमने, अब इसको आराम से हल्के हल्के ठोक लेंगे, जहां पे पेच है ना वहीं पे ठोकना है, बीच उसी में मत ठोकना आप लोगों ने, प्लेट टूट जाएगी इसकी। क्योंकि जहां पेच लगा होता है ना वहां पे थोड़ा हार्ड होता है ना, और नीचे पेच का जहां पेच लगता है वो सुराख भी दिया होता है, इसलिए वहां पे ठोक सकते हैं आप लोग। ये देखिए हमने लगा लिया है स्टार स्क्रू, इसके बाद इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से, इसे प्रॉपर जब टाइट हो जाए ना इसे देखना आराम से, इसे ना टाइट करते समय ना आप लोग थोड़ा जोर देकर टाइट करना ताकि प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए प्लेट। टाइट हो गया हमारा। अब इसको पर्दे इसको कोयल लगाते हैं, देखिए ये मैग्नेट कोयल है, इसको लगा लेते हैं। इसमें कोयल लगाते समय भी एक चीज ध्यान रखना, जितने भी तारे होंगे ना वो सारी नीचे की साइड में होंगी, ऊपर की साइड में मत रखना आपने, तो ऊपर की साइड में रखोगे तो मैग्नेट से टूट सकती है तारे। इसमें भी स्टार पेच के सोले लगे होते हैं, ये इन्होंने बहुत गंदा दे रखा है। एक तो इन्होंने स्टार पेच के सोला दे रखा है, खोलते समय भी बहुत दिक्कत होती है और लगाते समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इन्होंने इन्हें 8 नंबर की गोटी या 10 नंबर की गोटी वाला देना चाहिए था नट यहाँ पे। और आप लोगों को पता स्टार पेच कैसे ना, तो प्रॉपर नट टाइट नहीं हो पाते हैं। टाइट हो गया। अब इसके ऊपर देखिए ग्रीस लगाएं, ग्रीस के साथ ऐसे लोक हम इसको लगा देंगे, जिसमें वो होता कहते हैं काटर, मैग्नेट काटर, ये देखिए ये लगा दिए इसमें, बैठ गया ये। इसको प्लास के साथ, नोज प्लास के साथ ऐसे अच्छे से बैठा देंगे, बैठ चुका है। अब इसके ऊपर देखिए मैग्नेट लगा देते हैं, ये हमारा मैग्नेट भी बैठ गया, इसके ऊपर का नट भी लगा दिया हमने। सो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा लमसम आधा काम हो चुका है, क्यों हमने क्रैंक बैठा लिया है, उसके बाद देखिए हमने पंप पंप बैठा ली, फिर उसके बाद देखिए मैग्नेट कॉइल बैठा लिए, फिर मैग्नेट बैठा लिए। अब इसके बाद स्टैंड लगाने जा रहे हैं ताकि हम इंजन को सीधा कर सके
और इसका स्टैंड देखो बड़ा यूनिक तरीके से दिया होता है। एक साइड भी देखिए इसके दो पिन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में लेफ्ट पिन लगेगा और राइट साइड में राइट पिन लगता होता है। पिन लगा के हमने इसका देखो लॉक भी लगा दिया इसमें, देखिए दूसरे में भी लॉक लगा दिए पिन लगा के, ये हो चुका हमारा इंजन देखिए खड़ा हो गया है। अब इसके बाद देखिए जो इसकी देखिए अब यहाँ पे हम यानी कि पैर रखने वाला जिसे किक लगाते हैं तो वो स्प्रिंग भी लगाएंगे इसमें, ये देखिए ये भी लग गया हमारा, नहीं लगा नहीं अभी फिट कर रहे हैं इसे हम, ये देखिए पेच की सहायता से इसे भी हम ये फिट कर लिए, हो गया हमारा फिट, ये प्रॉपर बैठा के इसे दबा देते ताकि निकले ना ये। अब आएगी बात देखिए, अब आ रही चीज टाइमिंग चैन, देखिए टाइमिंग चैन बैठा से ऊपर से लगाना आराम से सेट से जिससे निकल जाए सेट, तो क्रैंक में घुमा के आप इसे फंसा देना, ये देखिए हमारी टाइमिंग चैन ये बैठ गई हमारी, देखिए हो गई टाइमिंग चैन हमारी। अब देखिए ये तो हो गया हमारा इतना, ये हो गया हमारा हाफ इंजन एक तरफ से तैयार है हमारा, अब हाफ और तैयार करना है। इसके लिए हम देखिए इस पर पैकिंग लगाएंगे, ये पैकिंग देखिए हमने लगा लिया है इस पर, इसे प्रॉपर बैठा लेते अच्छे से। ब्रदर ये बात सोचना मैंने पैकिंग पैकिंग पे एनाबोंड लगाई हुई है मैंने पैकिंग पे, और आप भी अच्छे से एनाबोंड लगा लेना पैकिंग पे। और देखिए साइड में जहाँ जहाँ पंप होता है वहाँ पे आप हाथ से ना हाथ से कपड़े से उसको साफ कर देना एनाबोंड को वहां से, ताकि ना पता क्या ऊपर तक ऑयल आ सके। ये मैं भी कपड़े साफ कर रहा हूँ, देखिए पंप वहां पे पंप लगा है तो कपड़े से मैं साफ कर दे रहा हूँ उसे। अब टाइमिंग चेन पे हमने एक तार बांध ली ताकि हम जब सिलेंडर बैठाएं तो उसके आराम से नहीं। देख पिस्टन हमने फिट कर रखा है, फिर पिस्टन को लगा देते क्रैंक में। अब पिस्टन बैठाने वाला वीडियो मैंने इसी मैंने ना प्लेलिस्ट में काफ़ी डाली हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। पिस्टन बैठाने का तरीका सबका सेम ही होता है, रिंगे बैठाने का तरीका हर गाड़ी का सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं एक बार। ये देखिए हमने इसको बैठा लिया अच्छे से, लोग बैठ गया। अब देखिए हमने ले लिया सिलेंडर, अब सिलेंडर की साइड में भी देखिए एनाबोंड हम अच्छे से लगाए लगा लिया है, और ये पिस्टन पिस्टन को देखिए आराम से इस पर बैठा लेते हैं हम इस पर ना, पता ये धक्का मुक्की मत करना कभी भी, आराम से बैठाना आराम से फिट हो जाएगा पिस्टन, क्योंकि जुपिटर के जो पिस्टन होते हैं ना वो बहुत ना जैसे होते हैं आराम से फिट हो जाते हैं, उसमें खिंचता ही नहीं होता जैसे स्प्लेंडर के पिस्टन में होता है, उस तरह इसमें नहीं होता है। बैठ गया, उसके बाद देखिए अब इस पर जो ठोक लेते हैं हल्का सा ताकि ये प्रॉपर ना डबल के साथ में प्रॉपर बैठ जाए। बैठने के बाद अब इसके ऊपर की जो ऑयलिंग है पिस्टन के ऊपर की उसे भी साफ करना है हमने, देखो साफ कर लेते हैं ऑयलिंग ऊपर की। फिर इसके बाद देखिए साइड में जो 10 नंबर के दो नट होते हैं उसे टाइट कर लेंगे लगा के। इसमें ये चीज़ अच्छा दिया हुआ है, जैसे ना नॉर्मल होता है उसमें नहीं दिया होता है साइडों में, तक पर इसमें ऐसा होता है ब्लॉक फिट किया, ब्लॉक के साथ भी नट दे रखा है, उसके बाद हेड फिट करो देखो हेड के नीचे भी नट दे रखा है, ताकि ये नहीं होता कि हम ऊपर टाइट करें पिस्टन हमारा एनाबोंड सूखने डर है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। देखिए ये अब इसमें लगाएंगे, ये देखिए ये टाइमिंग पैड है हमारी लगा लेते हुए। फिर ये देखिए हम पैकिंग है, पैकिंग पे एनाबोंड भी लगा रहे हैं, इसे कहते पता कौन सी पैकिंग है, ये हमारी है सिलेंडर पैकिंग जो है सिलेंडर और हेड के बीच में पड़ती है, लोहे की होती है। देखिए इसे भी हमने लगा लिया है, अब इसके बाद देखिए ये सेकंड टाइम पैड है, ये देखिए इसे भी लगा लेते हैं। याद रखना इसमें दो पैड कोई भी हो, टाइमिंग पैड पड़ रहे हैं तो उसमें दो होंगे, और अगर रोलर पड़ रहे हैं तो रोलर तो हम गिनती कर सकते हैं, तीन तीन या चार तो होंगे ही होंगे। फिर ये देखिए हमने हेड भी बैठा लिया इसमें, ये देखिए हमने ये रहा हमारा हेड, देखिए प्रॉपर बैठाना अच्छे से ताकि ना इसको पता क्या ये टाइमिंग पैड कहीं फंसे ना। ये हमारा हेड भी देखिए बैठ गया प्रॉपर तरीके से, इसे भी थोड़ा ठोक लेते हैं थोड़ी से, बैठ गया नीचे। देखिए आपने देखिए स्क्रू आगे नीचे वो नटा रखे हैं, अब उस पर हम 10 नंबर के देखिए बोल्ट टाइट कर लेते हैं।
अब ये रही केम, केम में देखिए हमने वो पिन फंसा ली, फिर उसके बाद देखिए एक ये जो वार्सी टाइप वार्सल होती है इसे भी लगा ली हमने, फिर इसके बाद हमने देखिए केम लगा ली। अब टाइमिंग पैड को देखते हैं, ओ टाइमिंग गिरा रही सच। ये देखिए हमने तार खोल ली, अब टाइमिंग चैन से, टाइमिंग चैन से तार खोलने के बाद ये देखिए हम टाइमिंग गरारी होती है, टाइमिंग गरारी को अब लगा लेते हैं इसमें। ये रही हमारी टाइमिंग गरारी, ये देखिए। अब देखिए टाइमिंग गरारी जो हमने लगाई, देखिए पहले ये जो सीधी लकीर है ना वो हेड के बराबर में होनी चाहिए सीधी लकीर, क्योंकि पिस्टन हमारा टॉप पर था ही, पिस्टन हमारा टॉप पर है और टॉप पर है यानी टाइमिंग हमारी बिल्कुल सही है उस नीचे की और मैग्नेट की, यानी कि आप दूसरे देखिए गरारी की टाइमिंग, ये गरारी की टाइमिंग देखिए सीधी लकीर हेड के बराबर में है ना, तो यानी कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल सही है। अब इसके बाद पत्ती लगा के उसमें देखिए 8 नंबर के जो पेच होते हैं वो लगा लेते हैं छोटे छोटे। फ्रेंड बीच बीच में ना खांसी की आवाज़ आ रही होगी या मेरा गला बैठा नजर आ रहा होगा, तो आप इस समय में मैं पता इस टाइम ना थोड़ा बीमार चल रहा हूँ मैं। इसको बाद ठोक के ये देखिए ताकि नट ये निकले ना बाहर। उसके बाद देखिए ये जो रोलर सा है प्लास्टिक का होता है इस पे भी एनामोड लगा के इसको आराम से बैठा लेंगे इस पे हम। ये देखिए ये हमने इस पे बैठा दिया, बैठ गए पूरा। अब इसके ऊपर देखिए इसको कवर आता है ऊपर का, ये कवर है जो हमारा, ये देखिए इसे भी इस पे एनामोड लगाई हुई थी हमने, इसको भी बैठा लेते हैं आराम से। ये देखिए अब बैठाने के बाद इसको हम अच्छे से ठोक लेंगे, देखिए देख पा रहे हैं। फिर वार्सले लगा दी, वार्सले के बाद देखिए नट लगा देते हैं इस पे, देखिए इसको टाइट कर देते हैं। अभी हमारा देखिए एक तरफ से पूरा इंजन फिट हो चुका है, सिर्फ क्लच साइड का रह गया हमारा, क्लच साइड का रह गया, माइंड साइड के कवर रह गए हैं वो रह गया है। अब इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, इसलिए वीडियो को आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे लग रहा है वीडियो आपको अच्छी लगी है। और अब इसकी ना जो मेन चीज़ है अब स्टार्ट होने वाला है कि आप लोग इंजन बांधने के बाद कैसे इंजन को चेक कर सकते हैं आपका इंजन प्रॉपर फिटिंग बैठा है कि नहीं बैठा है, ये इंजन चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है, आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पहले ये देखते हैं, ये देखिए ये अब हम लगाने जा रहे हैं नीचे का ऑयल नट लगाने जा रहे हैं, ये हमने ऑयल नट लगा लिया इसमें अच्छे से, देखिए इसे प्रॉपर टाइट कर देना ताकि ना ये जो ऑयल होता है नीचे निगिरे ना हमारा। इसके बाद देखिए ये हमारी है क्लच प्लेट, इसे भी लगा लिए प्रॉपर। ये देखिए सीलों को आप अच्छे से ना पेचकस की सहायता से प्रॉपर तरीके से बैठाना ताकि ना पलटे ना सील। ये लगने के बाद इसमें 8 नंबर के 3 ये देखिए बोल्ट लगते होते हैं, ठोक के बैठा लेते। देखिए मैंने अभी भी बोला है जहाँ पे नट होता है ना जहाँ लगता है वहीं पे चोट मारना आपने और कहीं साइडों में कहीं मत मारना। फिर टाइट कर लेते हैं, फिर ये देखिए क्लच, ये हमारे वेरिएटर है, वेरिएटर में देखिए हम ग्रीस लगा रहे हैं, वेरिएटर में ग्रीस लगाने के बाद इसमें देखिए वेरिएटर में ग्रीस लगा, फिर उसके बाद देखिए रोलर जो होते हैं उसे लगा लेते हैं। इसमें 6 रोलर पड़ते होते हैं वेरिएटर में, लगाने के बाद अब देखिए इसके ऊपर हम हल्का हल्का ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस लगाने के बाद इसको देखिए अब हम उसके ऊपर प्लेट लगा देंगे। देखिए प्लेट में हमने देखिए 3 जो वो होते हैं प्लास्टिक के बुश टाइप लगते हैं वो लगा देते हैं, लगाने के बाद फिट कर दिए इसमें हमने। फिट करने के बाद अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, इसमें जो बीच में बुश पड़ता है ना वो बुश लगा देते हैं हम, देखिए बुश हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा जो ये पिनियन है सेल्फ पिनियन, ये देखिए इसे लगा लिया। इसके ऊपर देखिए साइडों में आप जहाँ पिन पिनियन लगाए हैं वहाँ पर साइडों में 2 बुश लगेंगे, ये देखिए डबल टाइप में डबल लगा दी, 2 डबल के ऊपर उसका कवर लगेगा। अब ये देखिए ठोक लेते हैं, फिर इसके बाद देखिए कवर लग गया, ये कवर को भी अच्छे से बैठा लेते हैं ठोक के, बैठ गया कवर हमारा। फिर इसके बाद देखिए इसके ना अपना राइट साइड लगाना है, देखिए अपने हाथ के राइट साइड पे एक स्टार पेचकस वाला होगा उसे लगा दिया हम, देखिए
नट्टा लगा दिया, ये तो हमारा फिट हो गया। अब इसके बाद देखिए बेल्ट जो होती है इसकी, क्लच बेल्ट वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए फैन लगा देते हैं, फैन के बाद वार्सल, वार्सल के बाद एक और मोटी वार्सल। फिर उसके बाद देखिए जो ये नट लगा दिया बड़ा वाला, उसको हम टाइट कर लेते हैं। अब हमारी बात आ गई क्लच शू की। ये देखिए पहले क्लच पुली, ये देखिए क्लच पुली पे क्लच शू लगा होता है, उसे हमने बैठा लिया। ये देखिए बैठाने के बाद ये लग गया हमारा। फिर इसके ऊपर देखिए कोला भी लगा लेते हैं, इसके ऊपर का कोला भी लगा लिया। अब इसको भी प्रॉपर टाइट कर लेंगे हम, ये देखिए इसको इसको टाइट करने के लिए हम लोग ना कैंची पुलर का यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा कैंची पुलर लगाया और इसे हमने टाइट कर लिया अच्छे से। टाइट होने के बाद देखिए हो गया। अब देखिए क्लच कवर, इसका क्लच कवर लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए जितने भी नट बोल्ट हैं वो तो पता ही है आपको, वो सारे हम लगा लेंगे इसमें अच्छे से। देखिए जो उस साइड लगा दिया हमने वेरी लगा लिए, देखिए टाइट कर लेते हैं अच्छे से। टाइट करने के बाद ये देखिए अब आगे हम कहाँ मैग्नेट साइड, मैग्नेट साइड आते हैं। सबसे पहले हमने इसे मोटर फिट कर ली अपनी, मोटर हमने देखिए लगा रखा है। जो मोटर को लगाने के बाद अब इसमें हम इसमें भी देखिए पता है स्टार पेचकस वाला दे रखा है इसमें भी टाइट करने के लिए, ये भी नहीं कि 8 नंबर का दे दें, स्टार पेचकस दे रखा है तो उसे भी हम टाइट कर लेते हैं। देखिए नट इसका टाइट हो गया हमारा। अब जब टाइट हो जाए कवर जो देखिए मैग्नेट कवर, अब ऊपर का लगा ले प्लास्टिक का होता है ये, इसे लगा लिया हमने। इसको भी टाइट कर लेते हैं अच्छे से। इसमें 3-4 बोल्ट होते हैं, उसको साइड में देखिए जो लगा रखे हैं प्लास्टिक का, उसे भी टाइट कर लेते हैं ताकि अभी हमारा प्लास्टिक के जो कवर होते हैं, दो बस दो ही कवर आते हैं प्लास्टिक के और कोई कवर नहीं आता इसमें। एक तो बहुत छोटा सा होगा ये जो हमने शर्ट लगाया, उस शर्ट वाला इसे बड़ा होता है। देखिए अब हमें जुपिटर का इंजन चढ़ा लिया, अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं हमारी बाइक, हमारी जो जुपिटर है ये स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये जुपिटर हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब इसमें हम दो चीज चेक करेंगे, इसका इंजन हमारा सही बैठा है कि नहीं बैठा है, पिस्टन के ऊपर तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले पता ही बना देंगे। आपने ना ऐसा प्लेन कागज लेना है, प्लेन कागज लेने के बाद इसमें इसके नीचे ना ना सेंसर और पासा होता है, हेड के नीचे सेंसर जहाँ लगे लगता है तो वहाँ पे इसको लगाना है और स्टार्ट करके रेस देना है हमें, देखना है इसमें छींटे पड़ते कि नहीं पड़ती। देखिए कागज बिल्कुल साफ कागज है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए टैपेट के ऊपर का नट इधर हटा लेते हैं। अब यहाँ चेक देखिए इसमें ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे चेक करने के लिए आपने गाड़ी स्टार्ट करना है। देखिए ऑयल आ रहा है, यानी कि देखिए हमारा पंप प्रॉपर काम कर रहा है, तो अब इसको हम टाइट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यानी हमारा पंप भी प्रॉपर काम कर रहा है, अब इसकी हम आवाज देख पा रहे हैं। देखिए आवाज इसका जो सिलेक्टर हमने निकाला हुआ है तो आवाज इसकी बहुत ज्यादा चेंज लग रही है, तो इसलिए हमने इसका क्या करते हैं टाइट कर दोनों पट के। ठीक है अब इसे हम ना सिलेंसर का लगा लेते हैं और चेक करते हैं इसकी आवाज पूरी सही है कि खराब है, पहले सिलेंसर लगा लें इसको। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसका सिलेंसर भी अब फिट कर दिया है, आपने देखिए सिलेंसर हमने इसका फुल फिट कर दिया है हमने। अब सिलेंसर फिट करने के बाद अब इसको हम स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं, पर स्टार्ट करने में इसका क्या दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने से क्या है, देखिए इंजन फुल वीडियो मैंने आपको बना के इंजन फिट करने की पूरी कम्प्लीट वीडियो बना दिया,
कंप्लीट वीडियो बनाने के बाद मैंने आपको देखिए कहते हैं अपना स्टार्ट करके मैंने दिखाया आप गाड़ी, पहले की गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई ये भी आपने देखा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने आपको बताई कि पंप कैसे चेक करते हैं कि हमारा ऑयल हेड के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे भी मैंने आपको चेक करके दिखाया वो भी आ रहा हमारा। अब इसके बाद सिलेंसर की बारी आती है, सिलेंसर के सिलेंसर पिस्टन हमारा सही बैठा है कि नहीं बैठा है, इसके लिए मैंने आपको कागज यूज करके दिखाया कि हमारा पिस्टन प्रॉपर सही बैठा हुआ है। अब सिलेंसर लगाने से पहले की आवाज मैंने आपने सुनी थी कैसी आवाज आ रही थी, अब सिलेंसर हमने फिट करने कर दिया, अब इसके बाद में आपको आवाज दिखाता हूँ आवाज कैसी है। आप लोग भी एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।